बिहार बोर्ड 11 जनवरी मासिक परीक्षा का देख सकते हैं दोस्तों, साइसोलॉजी का यानी कि समाज शास्त्र का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है मेरे पास, ठीक ना। देख सकते हैं जनवरी का, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूं, साथ में बताऊंगा कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है ताकि आप लोग एग्जाम में छाप सके। देख सकते हैं जनवरी 2024 लिखा हुआ, इस चैनल पर जो भी आता है ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही आता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए हम फटाफट आपको सबका आंसर करवाते हैं। देखिए दोस्तों, हम अभी वीडियो पब्लिक किए हैं, देखिएगा बहुत लोग स्क्रीन शॉट लेके मेरा डाल देगा, क्योंकि अभी तक कोई नहीं डाला है साइसोलॉजी का ओरिजिनल प्रश्न पद, कोई आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि किसी के पास ओरिजिनल नहीं है। जैसे ही हम पब्लिक करेंगे, देखना सबको, मेरे बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरा वीडियो का सब अपलोड कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं सबका आंसर, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो राइट आंसर एक का ए हो जाएगा, ठीक ना, अगस्त कॉम्प्ट, ठीक। चलिए दो नंबर कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन एक समाजशास्त्री है, तो इसका राइट आंसर दो का आपका बी हो जाएगा, सीवी रमन, ठीक ना। याद रखिएगा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यह आपको कोई नहीं बताएगा, अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताया, हम पहला है जो आप वीडियो पब्लिक कर रहे हैं साइसोलॉजी का। चलिए तीन नंबर कर रहा है, जिन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी समाज का पहिया है, तो इसका राइट आंसर जो तीन का आपका सी हो जाएगा, बेवर। नोट करते जाइएगा और मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करना, आपको डाउनलोड कर लेना है और एग्जाम में छाप लेना है। चार नंबर कर रहा है, जिन्होंने संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो चार का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, घूरिए। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमको, इसी तरह हर मंथ एग्जाम में मैं पेपर आपको दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़े लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। पांच नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में किन्होंने कमार जनजाति का अध्ययन किया है, तो पांच का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एससी दुबे। छः नंबर का है, किन्होंने तीन स्तरों के नियम का प्रतिपादन किया है, तो छः का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए कॉम्प्ट। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, जनवरी का है, यह आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक ना, मेरे पास ओरिजिनल है इसलिए दिखा रहा हूँ। सात नंबर का रहा है कि दुखीम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर सात का आपका ए हो जाएगा, दो। आठ का रहा है, बेवर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं, तो आठ का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पाँच। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नौ नंबर का रहा है, किन्होंने धर्म के समाजशास्त्र का विवरण दिया है, तो नौ का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिरोकिन। दस नंबर का रहा, वह किनका विचार है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, तो इसका राइट आंसर 10 का आपका सी हो जाएगा, बेबर। चलिए ग्यारह नंबर का रहा है, निम्नलिखित में किन्होंने अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सरदार पटेल। देखिए मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने बता दूंगा, बिल्कुल फ्री में, आप डाउनलोड कर लेना और प्रश्न को एग्जाम में मिला के छाप लेना। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि हर्ट स्पेंसर हैं, तो इसका राइट आंसर जो आपका 12 का भी हो जाएगा, जर्मन समाजशास्त्री। देखिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ का क्वालिटी कम है। 13 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रभु जाति के सिद्धांत से जुड़े हैं, तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, G.S. घोरिए। चलिए 14 नंबर का रहा है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर 14 का आपका सी हो जाएगा, भीमराव जी अंबेडकर। 15 का रहा, किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति के लोग उच्च जाति के जीवन शैली एवं व्यवहार को अपनाते हैं, तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संस्कृतिकरण। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, किन्होंने कहा कि गणित सभी विज्ञानों की जननी है, तो इसका राइट आंसर 16 का आपका बी हो जाएगा, कॉम्प्ट। 17 का रहा, आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की है, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। 18 का रहा, श्रम विभाजन का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्क्स, ठीक ना। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख सकते हैं जनवरी का प्रश्न पत्र है। 19 नंबर का रहा, निम्नलिखित में कौन समाज के समावयवी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पेरेटो। 20 नंबर का रहा, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया है, तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एससी दुबे। 21 का रहा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किनकी अवधारणा है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका,
घूरिए। उसके बाद 22 का राय कि आदर्श प्रारूप की चर्चा किन्होंने किया है, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निम्न इनमें से कोई नहीं। 23 का राय निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 23 का सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। 24 का राय निम्नलिखित में से कौन वेदांता से जुड़े हैं, तो 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पी एच प्रभु। चलिए 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में किन्होंने कहा कि आज तक के सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुम्प लोबिच। ठीक ना दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। फ्री में तो सब्सक्राइब करना होता है, पैसा थोड़े लगता है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले एग्जाम में भी आपको हेल्प मिले। 26 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मार्क्स ने प्रमुखता सामाजिक परिवर्तन के किस कारक का बल दिया है, इसका आंसर ए हो जाएगा, संस्कृति कारक। 27 का राय पश्चिमीकरण की अवधारणा में किसके प्रभाव को दर्शाया गया है, तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटिश शासन। उसके बाद 28 का राय कॉम्ट ने धर्मशास्त्रीय स्तर को कितने स्तरों में विभाजित किया है, तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दो। 29 का राय द रिमेम्ड विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, योगेंद्र सिंह। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कर रहा है इंडिया आज चेजिंग विलेज पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। अब देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका भी आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है, गूगल में सर्च मारना है SK Knowledge Class लिख के सर्च मारना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर वेबसाइट दिखेगा SKKnowledgeClass.com, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको आंसर की वाले टैब दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आंसर की वाले टैब पर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। ठीक ना, आंसर की पे क्लिक करना है, लिखा मिले क्लास 11 जनवरी मंथली एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, जिस भी विषय का डाउनलोड करना है, साइसोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यहाँ से, सब्जेक्टिव यहाँ से डाउनलोड कर लेना है।